छत्तीसगढ़ जगदलपुर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय वरिष्ठ जनों का मूल्यांकन एवं परीक्षण शिविर जगदलपुर के लालबाग मैदान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद बस्तर दीपक बैज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है कि समाज के हर वर्ग के वृद्ध, बेसहारा और दिव्यांग जन को पेंशन मिले। इसी सोच को सार्थक करते हुए जिला प्रशासन एवं विभाग गांव-गांव जाकर पेंशन हेतु पात्र हितग्राहियों से आवेदन पत्र लेकर उन्हें पेंशन योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था या किसी प्रकार की दिव्यांगता के कारण आने वाले परेशानियों का सामना करने में सहारा देने का काम सरकार कर रही है। शिविर में लगभग 7,000 वृद्धजनों का मूल्यांकन एवं परीक्षण किया गया है, जहां शासन प्रशासन से मिलने वाली विभिन्न योजनाएं गांव-गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाया जा सके, जिसके लिए शासन प्रशासन की ओर से टीम बनाकर गांव-गांव के अंतिम छोर तक पहुंचकर सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं को बताया जा रहा है। साथ ही पात्र हितग्राहियों को फॉर्म भरवाकर उन्हें लाभ भी दिलाया जा रहा है। जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्तर संभाग के सातों जिले के वरिष्ठ नागरिक जनों का प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया, ताकि इसके माध्यम से जितने भी हमारे पेंशनधारी हैं उनको शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को जानकारी देना और उनकी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उनको लाभ देना, इस उद्देश्य से और इसके साथ ही और आज पूरे डॉक्टरों की टीम भी थी कि हम संबंधित जिसको भी अगर चेकअप कराना हो तो संबंधित वरिष्ठ नागरिक वहाँ पे भी उसका भी लाभ लिए हैं। तो इस तरह से आज इस शिविर में कि शारीरिक चेकअप, फिर हम लोग समाज कल्याण विभाग द्वारा शासन की योजनाओं को, पेंशनों को उनके तक जानकारी पहुंचाना और इनको लाभ देना, ये प्रमुख उद्देश्य था। इस तरह से आज हज़ारों की तादाद में सभी सातों जिले से आए थे, हमारे सभी सातों जिले के हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के माध्यम से आयोजित शिविर रहा। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा भी है कि सभी जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक ये लाभ पहुंचना चाहिए, इस मकसद से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।